पिछले कुछ दिनों से रेल हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें पटरी से उतर चुकी है और लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं अब यात्रियों से भरी एक और ट्रेन बेपटरी हुई है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात को 2:30 पर कानपुर सेंट्रल और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस 19168 अचानक पटरी से उतर गई, जिसे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि ट्रेन हादसे में किसी भी यात्री को जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी यात्री के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी सुविधा के लिए उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने को लेकर रेलवे की ओर से व्यवस्था की गई है। यात्रियों को ट्रेन के साथ साथ बसों के माध्यम से भी उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर रेलवे की टीम, स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और बचाव कार्य शुरू किया गया।